सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीधे रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे बहादुर और जाबाज जवानों के हताहत होने की खबरों ने पूरे देश को गंभीर पीड़ा के माहौल, गमगीन माहौल हमारे देश के अंदर दिया है। वाकई में हुआ क्या, स्थिति है क्या, क्या चीनी सेना ने हमला बोलकर हमारे उच्च सैन्य अधिकारियों और हमारे बहादुर और जाबाज सैनिकों को हताहत किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मौन क्यों हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? देश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी को आगे बढ़ देश के सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या ये सत्य है कि चीनी सेना ने गलवान वैली लद्दाख में भारतीय सेना के बहादुर उच्च सैन्य अधिकारी वे हमारे जवानों को हताहत किया है? क्या ये सही है कि भारतीय सेना के अधिकारी और जवान कई गंभीर रूप से घायल हैं? अगर ये सही है तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, वो देश से ये बात साझा करने से कतरा क्यों रहे हैं? दूसरी बात, अप्रैल और मई 2020 से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लद्दाख में तीन जगह पेनगोंग सो लेख इलाके में, गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग्स में चीन ने भारतीय सीमा पर हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है, परंतु प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने लगातार इस मामले पर सार्वजनिक तौर से बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, क्या आज आप देश को सामने आकर बताएंगे कि क्या ये बात सही है कि चीन ने तीन जगह भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया है? अगर हाँ तो जवाब दीजिए और अगर ना तो भी जवाब दीजिए। तीसरी बात, तथा कथित तरीके से अगर ये वाकया कल रात को हुआ जिसमें हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, तो इस मामले को कल रात से आज 12:52 दोपहर तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और वो बयान जो आर्मी के हवाले से टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है 12:52 का, उसे 16 मिनट बाद 1:08 पर क्यों बदल दिया गया? मोदी जी और रक्षा मंत्री जी बताएं कि इसके पीछे क्या कारण है। और नंबर 4, अगर ये सही है कि गलवान वैली में चीन अपनी सेना पीछे हटाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ओरिजिनल पोजीशन पर जा रहा था, तो फिर हमारी सेनाओं में झड़प होने का कोई कारण था ही नहीं। तो ऐसे में हमारी सेना के उच्च सैन्य अधिकारी और सैनिक वीरगति को कैसे और किस परिस्थिति में वीरगति को प्राप्त हुए, इसके बारे में आगे बढ़कर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को बताएं। और पांचवीं और आखिरी सवाल देश का, प्रधानमंत्री जी देश को ये भी बताएं कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता दोनों को लगता है कि चीन के द्वारा चुनौती दी जा रही है जैसा खबरों से लग रहा है, तो इस गंभीर स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की भूभागीय अखंडता की रक्षा करने के बारे प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की नीति क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं ये कहूँगा कि देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर पूरा देश, 130 करोड़ लोग एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, और उनमें कहीं शक शुभा की जरूरत नहीं। पर सरकारें, खास तौर से चुनी हुई सरकारें,
गोपनीयता के आधार पर, सीक्रेसी के आधार पर नहीं चली चल सकती, और इसलिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सामने आकर देश को पूरी बात बताएं, देश को विश्वास में लें और पूरी बात देश से साझा करें। धन्यवाद। विदेश नीति की भी बड़ी विफलता माने क्योंकि पड़ोसी देशों से रिलेशन अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि इससे अधिक आज की इस विकट परिस्थिति में जब देश के ऊपर संकट की स्थिति है और कुछ कहना उचित नहीं होगा। धन्यवाद। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग रखी है। उस पत्र की प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं। 10 दिन से लगातार पेट्रोल की कीमतों में 5.80 रुपया प्रति लीटर वृद्धि हुई और लगभग 5.75 रुपया डीजल की कीमतों में भारत सरकार, भाजपा सरकार द्वारा वृद्धि की गई। इससे पहले 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल पर 13 रुपया लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और पेट्रोल पर 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और उससे एक महीना पहले 5 मार्च 2020 को 3 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। इन लगभग 12 बार की गई वृद्धि से मोदी जी की सरकार ने इस देश के लोगों से 2,75,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त कमाया है। सरकार कोरोना की महामारी और आर्थिक संकट के समय वसूली की दुकान है या जनता की मदद करने की संस्था? इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर याद दिलाया है कि मोदी सरकार ने 6 साल में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 18,00,000 करोड़ रुपया कमाया है। मोदी जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है इस देश के 130 करोड़ लोगों की ओर से, किसान आज फसल बीज रहा है, मध्यम वर्गीय लोग और छोटे छोटे उद्योग संकट में हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस ले, कच्चे तेल की कम कीमतों की राहत आम जनमानस को दें। धन्यवाद। किस तरह की आगे रणनीति रहेगी और रिपोर्ट, रमेश मीणा पे चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार करने की भी चर्चाएं? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, राजस्थान की बहादुर धरती का जनमत भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र कभी विफल नहीं कर पाएगा। भाजपा के षड्यंत्रकारी लोगों ने राजस्थान की बहादुर धरती की अस्मत, राजस्थान के बहादुर संस्कार और संस्कृति को चुनौती दी है, और इसलिए न केवल कांग्रेस बल्कि निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए उस षड्यंत्र के दांत खट्टे किए, और श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ये दिखा दिया कि राजस्थान की माटी की बहादुरी का मोल कोई नहीं लगा सकता। हमें प्यार से, स्नेह से, आशीर्वाद से तो कोई खरीद ले, परंतु षड्यंत्रकारी तरीकों से, बोलियां पैसों से लगाकर, काला धन लगाकर राजस्थान के विधायकों की या राजस्थान के लोगों की अस्मत और उनका मत नहीं खरीदा जा सकता। प्रजातंत्र में इससे करारा तमाचा भाजपा के षड्यंत्र को कोई हो ही नहीं सकता। सर, आपने कोई रिपोर्ट दी आलाकमान को यहाँ जो कुछ घटनाक्रम हुआ है पूरा? मुझे लगता है कि किसी रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं, परंतु जो भी यथास्थिति होगी वो हम अपने कर्तव्य का, मैं और टीएस सिंहदेव जी निर्वहन करेंगे और उस यथास्थिति के मुताबिक ये सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी की एकजुटता इसी प्रकार से बनी रहे। आप सब भी कई दिन से यहाँ हैं, मैं बहुत विनम्रता से आपके सहयोग के लिए आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो संजय त्रिकारी है उनके कोई प्रलोभन के ऑडियो वीडियो?